हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पावर क्या होती है और इसे कैसे मेजर किया जाता है, और मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल के जरिए कि मल्टीमीटर से आप पावर कैसे मेजर कर सकते हैं। साथ में एक बोर्ड बनाना भी बताऊंगा जिससे आप पावर आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ कैलकुलेशन के लिए पावर मेजर करना जरूरी होता है लेकिन हमारे पास इसके लिए अलग से पावर मीटर नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ध्यान से जरूर देखना, यह वीडियो आपकी पावर मेजरमेंट में जानकारी को बढ़ाने वाला है। इलेक्ट्रिक पावर का यह एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू VI cos phi। P है इलेक्ट्रिक पावर, V है वोल्टेज, I होता है करंट और cos phi है हमारा पावर फैक्टर। वैसे तो इन टर्म्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर एक तरह की एनर्जी होती है। एक सेकंड में कितनी एनर्जी देना, डिलीवर करना या लेना, कंज्यूम करना इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। यह इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स और बैटरीज द्वारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में सप्लाई होती है। वोल्टेज एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी इलेक्ट्रिकल वायर्स में धकेलता है। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और लास्ट में आता है cos phi। यह पावर फैक्टर होता है। दोस्तों, यह एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है उसका ये ग्राफ होता है। ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का। इस साइड एंगल और टाइम होते हैं। इस ग्राफ को वेवफॉर्म बोलते हैं। एसी सप्लाई में वोल्टेज और करंट की वैल्यू बदलती रहती है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। वहीं अगर डीसी सप्लाई को समझे, वहां करंट और वोल्टेज की वैल्यू बदलती नहीं है, वह एक फिक्स वैल्यू रहती है और इसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एसी सप्लाई में टी टाइम में एक वेवफॉर्म कंप्लीट होती है। यहाँ पर टाइम T/4 है और एंगल 90 डिग्री है, तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है। दोस्तों, जिस टाइम पर यहाँ वोल्टेज बढ़नी शुरू हो गई, उसके कुछ देर बाद करंट शुरू होता है। वोल्टेज और करंट के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम फाई से दिखाते हैं, और जब इसका कॉस करते हैं तो पावर फैक्टर की वैल्यू मिलती है, क्योंकि पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। यहाँ कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। इस तरह की टेबल आपने मैथमेटिक्स में देखी होगी। यहाँ आप कॉस की अलग अलग एंगल पर वैल्यू देख सकते हैं, और फाई एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का। दोस्तों, दो केसेस में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जीरो होता है, एक डीसी यानी डायरेक्ट करंट के केस में और दूसरा रेजिस्टिव लोड के केस में। रेजिस्टिव लोड मतलब जहां सर्किट में कोई इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं होता, जैसे फिलामेंट टाइप बल्ब, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स। यहां वोल्टेज करंट की इस तरह की वेवफॉर्म होती है। एंगल जीरो होने की वजह से फाई इक्वल टू जीरो होता है। कॉस जीरो की वैल्यू हम टेबल में से देख सकते हैं, ये 1 है, जिसका मतलब पावर फैक्टर 1 हो गया है। इसलिए डीसी सप्लाई और रेजिस्टिव लोड के केस में पावर का फॉर्मूला हो जाता है पावर इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। बाकी और केसेस में यही रहता है P इज इक्वल टू VI cos phi। पावर मेजर करने के लिए हमें एक सिंपल सा बोर्ड बनाना होगा। इसके लिए हम लेते हैं एक 5 वे का गैंग बॉक्स, 2 पिन होल सॉकेट, 5 एम्पीयर के 2 स्विच और एक सॉकेट, एक 2 पिन टॉप। इसका यूज मैं आगे जाकर वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में आप एक लीड बना लेंगे, इसके आगे 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप आप लगा सकते हैं। इससे हम बोर्ड को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। कुछ मीटर वायर जिससे हम कनेक्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बोर्ड को फिट करते हैं। स्विच सॉकेट फिट करने के बाद अब हम इसमें वायरिंग कनेक्शंस करते हैं। यहां पर हमने बोर्ड के कनेक्शंस कर दिए हैं। अब मैं 2 पिन टॉप को शॉर्ट करता हूं। दोस्तों, इस कनेक्शन को अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और करंट नापने के लिए एम्पियर मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कनेक्शंस किए हैं। इसमें 2 टू पिन होल सॉकेट लिए हैं, उसमें से एक को हम वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरे को हम करंट नापने के लिए यूज करेंगे। तो इसके कनेक्शन हम कुछ इस तरह से करते हैं। एक वायर को हम स्विच से ले जाते हुए 2 पिन होल सॉकेट के एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं और दूसरी वायर को दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। अब इस वायर को इस वाले सॉकेट के पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं और इसी वायर को स्विच के थ्रू सॉकेट के लाइव वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच और सॉकेट लोड के लिए हैं और दूसरी वायर को यहाँ से हम डायरेक्ट सॉकेट के न्यूट्रल पर कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो 2 पिन सॉकेट पर सप्लाई आ जाएगी, तो इन पॉइंट्स पर हम आसानी से वोल्टेज को नाप सकते हैं। इसके बाद सप्लाई इस वाले 2 पिन सॉकेट में आएगी, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन
कंप्लीट नहीं होता क्योंकि ये वायर अभी ओपन है। तो यहाँ पर 2-पिन प्लग काम आएगा जिसको मैंने पहले से ही शॉर्ट किया हुआ है। इसका यूज करने का रीजन यह है कि इससे हम आसानी से कनेक्शंस को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और लास्ट में ये स्विच सॉकेट है जहाँ पर हम अपना इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करेंगे जिसकी हमें पावर मेजर करनी है। यहाँ एक बात का दोस्तों ध्यान रखना कि इस बोर्ड से हम उन इलेक्ट्रिकल आइटम्स की पावर मेजर कर सकते हैं जिनकी पावर 1000 वाट तक है, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किए गए सभी स्विच सॉकेट 5 एम्पियर के हैं। इससे ज्यादा वाट की पावर मेजर करने के लिए बोर्ड बनाना सीखना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। पावर मेजर करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर यूज करना है जिससे आप एसी वोल्टेज और एसी करंट नाप सकते हैं। लोड के लिए हम 100 वाट का बल्ब लेते हैं और इस सॉकेट में लगा देते हैं। अब इस बोर्ड को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इन दोनों स्विचेस को ऑन कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी बल्ब ऑन नहीं हुआ है। अब इस 2-पिन प्लग को लगाते हैं तो ये बल्ब ऑन हो गया है क्योंकि यह सॉकेट सीरीज में है और 2-पिन प्लग अंदर से शॉर्ट किया हुआ है। मल्टीमीटर की नॉब को हम एसी वोल्टेज पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर की ब्लैक लीड को कॉमन वाले पॉइंट पर लगाना है और रेड लीड को वोल्टेज वाले पॉइंट पर लगाना है। यह 2-पिन सॉकेट पैरेलल में है तो इन दोनों लीड्स को सॉकेट में लगाकर वोल्टेज मेजर करते हैं। यह हमारी आ रही है 244 एसी वोल्ट, इसको हम नोट कर लेते हैं। अब हम करंट मेजर करते हैं और मल्टीमीटर की नॉब को एसी करंट पर सेट करते हैं और रेड लीड को एम्पियर वाले पॉइंट पर लगा देंगे और ब्लैक लीड को कॉमन वाले पॉइंट पर ही लगाना है। यहाँ पर ध्यान रहे, करंट मेजर करते समय लीड को चेंज करना ना भूलें, नहीं तो आपका मल्टीमीटर खराब हो सकता है। अब इस 2-पिन सॉकेट से इस प्लग को निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बल्ब ऑफ हो गया है। करंट को नापने के लिए ही इस 2-पिन प्लग को यूज किया है, इसकी वजह से हमें वायर को कट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मल्टीमीटर की लीड्स को सॉकेट में लगाते हैं तो आप देख सकते हैं बल्ब ऑन हो गया है क्योंकि इस समय करंट मल्टीमीटर में से पास हो रहा है। यहाँ पर करंट की रीडिंग आ रही है 0.44 एम्पियर, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अब हम इन वैल्यूज को पावर के फॉर्मूला में लिखते हैं। पावर इज इक्वल टू VI cos phi। cos phi की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि इस समय हमारा इलेक्ट्रिकल लोड रेजिस्टिव है, तो पावर हो जाएगी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। वोल्टेज आई है 244 वोल्ट और करंट हो जाती है 0.44 एम्पियर। पावर इज इक्वल टू हो जाती है 107 वाट। इतनी पावर इलेक्ट्रिकल बल्ब लेता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर जो पावर लिखी रहती है और जब हम उस पावर को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ अंतर होता है। अब हम देखते हैं कि यह कूलर मोटर कितनी पावर लेता है। हमने मोटर को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। हम स्विच ऑन करते हैं, मोटर स्टार्ट हो गई है और वोल्टेज मेजर करते हैं। यहाँ वोल्टेज आ रही है 245 वोल्ट। अब हम करंट भी मेजर करते हैं। करंट की वैल्यू आ रही है 0.5 एम्पियर। अब पावर निकालते हैं। पावर इज इक्वल टू VI cos phi। वोल्टेज हमारी हो जाती है 245 वोल्ट, करंट है 0.5 एम्पियर और cos phi यहाँ पर ये रेजिस्टिव लोड नहीं है, इसलिए यहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू होगी। घरों में अक्सर पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 से 0.95 तक होती है। हम 0.9 लेते हैं तो पावर हो जाएगी 245 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज इक्वल टू 110 वाट। इतनी पावर ये मोटर लेती है। दोस्तों, इस मेथड से हम अपने घरों में इलेक्ट्रिकल लोड की काफी हद तक सही पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि पावर क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर को कैसे मेजर करते हैं और इसके लिए एक आसान सा इलेक्ट्रिकल बोर्ड कैसे बनाना है। उम्मीद करता हूँ पावर के बारे में दी गई यह जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए तरुण स्लैब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।